अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम राई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया है, उसके अलावा हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल भी पढ़ लिया है। आज हम प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल को देखेंगे कि ये क्या है और कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि इट इज़ अ सैम्पल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? ये सैंपल सॉल्यूशन है। अब देखें, सैंपल सॉल्यूशन किसको बोल रहे होते हैं? पहली बात तो ये जो प्रो है, इसका मकसद होता है, पहले प्रोटोटाइपिंग का मकसद ये चीज़ होती है कि आप एक्चुअल चीज़ बनाने से पहले आप लोग कुछ चीज़ डिज़ाइन करो, और वो आपका डिज़ाइन सिर्फ इसलिए हो कि आप लोग अपने कस्टमर को दिखा पाओ कि ये आप लोग ये चीज़ चाह रहे थे, जो चीज़ आप बनवाना चाह रहे थे वो क्या वो ये चीज़ है, इस तरह की चीज़ चाह रहे थे। यानी कि आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उस सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी से उसका एक वर्किंग मॉडल बनाओगे, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे ताकि आप लोग अपने कस्टमर को दिखा पाओ कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना एक सैम्पल सॉल्यूशन है। सैम्पल सॉल्यूशन किस लिए बना रहे होते हैं? कि हम अपने कस्टमर को दिखा सकें कि आप ऐसी चीज़ हमसे चाह रहे थे। ठीक है, तो जब कस्टमर उस चीज़ को देखेगा और कहेगा हाँ मैं ऐसी ही चाह रहा था, मगर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए, तो फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करके दोबारा कस्टमर के पास जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ी सी चीज़ बनाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, फिर थोड़ी सी चीज़ बनाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं, और ये प्रोटोटाइप बनाते बनाते हम उसी के अंदर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसको इवोल्यूट करते जा रहे हैं, उसके अंदर इवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इंसानों के अंदर वो साइंस के हिसाब से कह रहे होते हैं कि इंसान जो है ना उसके अंदर इवोल्यूशन आई थी, पहले वो बंदर था फिर वो इंसान बना, तो हम लोग वो जो एक सैम्पल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर फिर इवोल्यूशन ला रहे हैं, उसको और इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर इवोल्यूशन ला रहे हैं, फिर उसको और इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा एक इवोल्यूशन वाला प्रोसेस मॉडल है। अब ज़रा हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह को देखते हैं। द प्रोटोटाइप मॉडल रिक्वायर दैट बिफोर कैरिंग आउट द डिवेलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ड। ठीक है, हम एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने से पहले उसका एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाते हैं, जिसको हम लोग सैम्पल सॉल्यूशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये बनाने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका वर्किंग मॉडल बनाते हैं, ताकि वो वर्किंग मॉडल देख के कस्टमर आपको सारी रिक्वायरमेंट बता सके। ठीक है, अब आप लोग प्रोटोटाइप जो मॉडल है उसकी डायग्राम देखें। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का मकसद है रिक्वायरमेंट लेना। हम लोग रिक्वायरमेंट लेने के बाद अपना एक क्विक जो है अपनी एक क्विक प्लानिंग बनाते हैं, जल्दी में प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद जल्दी में मॉडलिंग कर देते हैं, यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, और यह सारा काम बहुत जल्दी में हो रहा होता है, और फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं प्रोटोटाइप, और फिर हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम लोग अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर देखें फीडबैक लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। ठीक है, फीडबैक लेने का मकसद है कि हम लोग उससे पूछ रहे हैं कि ये हमने वर्किंग मॉडल बनाया है, आप इस पे फीडबैक दो कि इसके अंदर और कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, और उसी फीडबैक के तहत हम लोग उसके अंदर और जो है ना इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको, और उसके अंदर इवोल्यूशन ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो जो एक सैम्पल बनाया है उसके अंदर हम लोग और चीज़ें डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो उसने जो आपका कस्टमर है उसने जो फीडबैक दिया है। ठीक है, समझ लग रही है बात की? तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, दोबारा उसके अंदर चेंजिंग लाते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर ने बोला, फिर ये चेंजिंग लाते जाते हैं लाते जाते हैं, यानी कि आइट्रेशन हम लोग बना रहे हैं, आइट्रेशन कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल था। आप लोग सिर्फ एक दफ़ा प्रोटोटाइपिंग को याद रख लें, आपको पता लग जाएगा कि प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल क्या होता है। अब ज़रा हम लोग इसके जो है ना एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है। ठीक है, मैंने ये पहले ही बात बता दी है। इजी टू मैनेज द टाइम, टाइम को अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने एक साल का प्रोजेक्ट उठा लिया है। ठीक है, अब आपने जो साल का प्रोजेक्ट उठाया है, मे बी हो सकता है कि एक महीने के बाद, दो महीने के बाद आपका जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट ही जो है ना वो लूज़ हो जाए।
ठीक है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते हो और अपने कस्टमर के साथ जो है ना इंटरेक्ट करते हो। जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हो और उसका इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्डअप रहता है, ठीक है। तो जब आप उसका इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा तो जाहिर बात है हमारे लिए एक एडवांटेज है। लेस प्रॉब्लम आते हैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर, सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन। ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम लोग एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि क्या हमारा कस्टमर चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, पहली पॉइंट को आप लोग पढ़ें, द कस्टमर सीज द वर्किंग मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर, वांट्स टू स्टॉप ऑल द डेवलपमेंट एंड देन बाय द प्रोटोटाइप आफ्टर अ फ्यू फिक्सेस। देखो, जब आप अपने कस्टमर के पास एक जो है ना वर्किंग मॉडल लेके जा रहे हो और उसको आपने एक वर्किंग मॉडल दिखा दिया, और वर्किंग मॉडल से पहले आपने उसको बोला था ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें 6 महीने लगेंगे सपोज, लेकिन आपने जो वर्किंग मॉडल बनाया है वो जस्ट आपने 15 दिन के अंदर बना के आप कस्टमर के पास ले गए। कस्टमर ने बोला कि यार आप मुझे बोल रहे थे 6 महीने लगेंगे, मगर आपने ये तो 15 दिन के अंदर पूरा करके दे दिया है, ठीक है। तो मे भी आपका कस्टमर कहे कि बस यार ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट है, मुझे ये अच्छा लगा है, जो आप सैंपल सॉल्यूशन लेके आए थे मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मे बी आपका कस्टमर जो है ना वो इतना लिटरेट नहीं है, वो उसी वर्किंग मॉडल को कहे कि ये सॉफ्टवेयर है आपका पूरा। तो ये एक डिसएडवांटेज है, मे बी आपने उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं लगाई, मे बी आपने उसको अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं किया, मे बी उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होता है, एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप लोग इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करना चाहते हो तो जब आप लोग रिक्वायरमेंट ले रहे हो तो कुछ रूल्स डिफाइन कर लो। रूल्स डिफाइन करने का मकसद ये है कि आप अपने कस्टमर को बोलो ये जो मैं आपके सामने वर्किंग मॉडल लेके आऊँगा ये आपका फुल सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ये आप कस्टमर के जहन के अंदर ये चीज़ पहले से ही बिठा दो, ये रूल्स पहले से ही डिसाइड कर लो, पहले से ही साइन करवा लो कस्टमर से, ठीक है ना। ताकि ये ना हो कि आप वर्किंग मॉडल लेके जाओ वो कहे कि ये सॉफ्टवेयर है पूरा, नो, आप पहले ही उससे साइन कर लो, पहले ही उसको बता दो कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो वर्किंग मॉडल है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बाद में कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा। तो रूल्स डिफाइन कर लो अगर आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। और उसके अलावा डिज़ाइन आपका पावरफुल नहीं है, ठीक है। आप क्विक डिज़ाइन करोगे, जब आप क्विक डिज़ाइन करोगे, मिसाल आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उसका आर्किटेक्चर आप अच्छे से बनाते ही नहीं हो, आप जल्दी जल्दी में बना देते हो, मे बी जब आप हाफ में पहुंचो आप ये सोचो कि यार इस जगह तो ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, आपका आर्किटेक्चर ही इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। जिस वजह से आप जब इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाओ तो मे बी आप सोचो यार ये तो मैं गलत चीज़ बना रहा हूँ। तो इस वजह से जब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, आप डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर जा रहे हो, तो आपको डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से करनी चाहिए, एक एक चीज़ उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए। मिसाल एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इस जगह पे खिड़की लगेगी, इतने फुट की लगेगी, इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई होगी। तो इसी वजह से जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस वक्त उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम जब इम्प्लीमेंट करें तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है ना। तो डिज़ाइन इसका पावरफुल नहीं है, जो इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ पूछनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।